हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, जो अकादमी के माननीय अध्यक्ष भी हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश में कला, संस्कृति, साहित्य और भाषा के प्रोत्साहन और सम्मान के लिए अकादमी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। भाषा संस्कृति विभाग की निदेशक श्रीमती कुंवर सिंह जी का अकादमी को बराबर मार्गदर्शन प्राप्त होता है और उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में कला संस्कृति के क्षेत्र में जो हमारे पारंपरिक मेले पर्व त्यौहार हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे साहित्यकारों कलाकारों का जिनका विशिष्ट योगदान रहा है साहित्य और कला के सृजन में, उन पर डॉक्यूमेंट्रीज तैयार की जाती हैं, उनका प्रसारण होता है और जो हमारे ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके स्मृति में जयंती समारोहों का आयोजन किया जाता है, उन पर मोनोग्राफ तैयार किए जाते हैं और प्रत्येक कलाकार साहित्यकार को किसी प्रकार से प्रोत्साहन प्राप्त हो, उसे सम्मान प्राप्त हो, ऐसा अकादमी का हमेशा से प्रयास रहता है। प्रतिवर्ष रंगकर्मी मनोहर सिंह राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में रंग कर्म से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित होता है और साथ में नाटकों का भी मंचन किया जाता है। मनोहर सिंह का जन्म 12 अप्रैल 1942 को क्योंथल रियासत के वर्तमान कसुम्पटी के क्यारा गांव में मियां बुद्धि सिंह के घर में हुआ। मनोहर सिंह के पिता भी शिमला हिल्स ड्रामेटिक क्लब के साथ जुड़े हुए थे और अभिनय करते थे। स्कूल के दिनों में मनोहर सिंह ने संस्कृत नाटक में मार्शल टिटो की भूमिका निभाई। मनोहर सिंह ने 1958 में आकाशवाणी शिमला के माध्यम से रेडियो नाटकों में भाग लेना शुरू किया। हिमाचल थिएटर्स के माध्यम से मंगू चौराहे पर, पेशावर, काबुलीवाला तथा आराम राज्य आदि नाटकों में मनोहर सिंह को एक पहचान मिली। नमस्कार। आज महान अभिनेता मनोहर सिंह जी की पावन जयंती है। हम आज के इस अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे लिए, हिमाचल प्रदेशवासियों के लिए, शिमला के रंगकर्मियों के लिए ये गौरव की बात है कि वो महान आत्मा, वो महान कलाकार हमारे जिले, हमारे इस प्रदेश से ताल्लुक रखता था। शिमला के पास क्वारा गांव से उनका ताल्लुक था और यहां से निकलकर उन्होंने रंगमंच की जो बुलंदियां हासिल की वो हमारे लिए वाकई गौरवमय बात है। शिमला में उन्होंने जो लोक नाट्य की विधा को अपनाकर और फिर हिंदी जगत में जो हम एक सधा हुआ रंगमंच कह सकते हैं उसको आत्मसात कर पूरे विश्व में एक जो अलख जगाई है रंगमंच के प्रति, अभिनय के प्रति, हम उसके लिए उनका साधुवाद, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रंगमंच का विद्यार्थी जिन जिन नाटकों को पढ़ने के लिए आतुर होता था, जो उसका एक कोर्स का हिस्सा होना चाहिए थे, उसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें मुख्य रूप से ओथेलो है, तुगलक है, लुक बैक एन एंगर, संध्या छाया और भी कई नाटक है, छोटे सैयद, बड़े सैयद, कॉकेशियन चौक सर्कल और भी बहुत से नाटक ऐसे हैं जो रंगमंच का विद्यार्थी जिन्हें पढ़ना चाहता है उसमें मुख्य भूमिका निभाई और एक स्कूल ऑफ थिएटर की छाप छोड़ी। संगीत में, नृत्य में एक घराना होता है, तो मैं संभवतः ये समझता हूं कि एक्टिंग में अगर कोई घराना माना जाएगा या होगा तो वो मनोहर सिंह जी के अभिनय का घराना होगा। और 1962 में सूचना एवं प्रसारण विभाग के माध्यम से दिल्ली में आयोजित नाट्य उत्सव में हिंदुस्तान हमारा नाटक में मनोहर सिंह का अभिनय दमदार रहा। 1968 में मनोहर सिंह ने अभिनय के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया। एनएसडी में रहते हुए मनोहर सिंह ने हिरोशिमा, ओथेलो, तुगलक, लुक बैक इन एंगर, जस्मा जोड़न आदि नाटकों में यादगार अभिनय किया और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। मनोहर सिंह ने थ्रिट वेन विथ,
कार्ल वेवर, रिचर्ड सीनियर तथा सिलेसी वेरी जैसी कलाकार हस्तियों के साथ भी उत्कृष्ट अभिनय करके रंगमंच के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। एनएसडी के प्रथम निदेशक ई अलका जी के निर्देशन में मनोहर सिंह के अभिनय में निखार आया। मनोहर सिंह ने लगभग 75 नाटकों में 30 से अधिक मुख्य पात्रों की भूमिका भी निभाई। मनोहर सिंह ने अभिनय के साथ साथ हत्या एक आकार की, चारपाई, गिन्नी पिट्ठा और पगला घोड़ा आदि नाटकों का सफल निर्देशन भी किया। किस्सा कुर्सी का मनोहर सिंह की फिल्म काफी चर्चित रही। 1982 में मनोहर सिंह को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से उत्कृष्ट अभिनय के लिए सम्मानित भी किया गया। 15 अप्रैल 1984 को उन्हें हिमाचल गौरव सम्मान से भी नवाजा गया। मनोहर सिंह ने टीवी और फिल्मों में भी अभिनय किया, परंतु वे स्वयं को थिएटर से अलग नहीं कर सके। मनोहर सिंह राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद भी अपने गांव की मिट्टी के साथ जुड़े रहे। मनोहर सिंह ने भारतीय थिएटर प्रमुख अदाकारों के साथ भी काम किया, जिनमें टीवी सीरियल तेरे मेरे सपने की वाणी त्रिपाठी और अरुरा ईरानी, आधे अधूरे नाटक में सुरेखा सीकेरी, फिल्म पार्टी में रोहिणी अट्टांगड़ी आदि प्रमुख हैं। वास्तव में मनोहर सिंह जिस किसी पात्र का अभिनय करते उसमें पूरी तरह खो जाते और दर्शकों पर अपने अभिनय की एक छाप छोड़ जाते थे। यही वजह है कि वे लंबे समय तक रंगमंच की दुनिया में टिके रहे और उन्हें रंगमंच का तुगलक होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। मुझे लगता है मनोहर सिंह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक यात्रा थे, जो शुरू हुई हिमाचल प्रदेश के शिमला के एक छोटे से गांव से, जहां वो बचपन में रोज सुबह 3 मील घर से स्कूल और फिर शाम को स्कूल से घर अकेले आया जाया करते थे, और उसी जंगल के रास्ते में उन लोगों की नकल किया करते थे जिन्हें देखकर वो प्रभावित होते थे। और ये यात्रा तब तक अनवरत चलती रही जब तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने अपने अभिनय का लोहा नहीं मनवाया। मनोहर सिंह ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया और वे रंगमंच के क्षेत्र में संघर्षरत हिमाचली युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। 1970 के दशक में मनोहर जी ने बलराज पंडित लिखित और निर्देशित नाटक पांचवां सवार में काम किया था, और संयोगवश 1980 में मुझे भी बलराज पंडित जी के निर्देशन में ही शिमला में इसी नाटक में काम करने का मौका मिला। मुझे आज हैरानी इस बात की हो रही है कि 1968 में जिस व्यक्ति ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करने का फैसला लिया हो वो कितना दृढ़ निश्चयी और कितना आत्मविश्वासी आदमी होगा। ये वैसे कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि 1980 और 90 में भी मुझे याद है कि थिएटर लाइन से जुड़े लोगों को उनके माँ बाप कहा करते थे कि भूखों मरना क्या, क्लर्की भी नहीं मिलेगी। खैर, उस शख्सियत को किसी खास मौके या खास दिन पर याद किया जाता हो ऐसा नहीं है, उनके चाहने वाले उन्हें हर पल याद करते ही रहते हैं। रंगकर्मी मनोहर सिंह की स्मृति में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनोहर सिंह के जन्म दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी करती है। भाषा संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष गेटी थिएटर शिमला में मनोहर सिंह स्मृति नाट्य उत्सव भी मनाता है, जिसमें विभिन्न नाट्य दलों द्वारा नाटकों का मंचन किया जाता है।